जब आप किसी इवेंट पर जाती हैं है तो उसकी शराय आप खुद तय करती हैं हमें यही होता है कि हमें फुल सिक्योरिटी चाहिए पारो थोड़ा सा जो है न सबसे थोड़ा हटके है ड्रेसिंग वाइज भी भी स्टाइल से एक फंक्शन का कितना मुआवजा लेती है और सबसे ज्यादा आपने कितना मुआवजा लिया अलहमद लाला बात का बहुत करम है आप अपनी फैमिली के साथ रहती है या आपकी जो कम्युनिटी है वो आपको तहफुज देते हैं पेरेंट्स वगैरह का कैसा रवैया आपको पता है माशरा हम लोगों को जो है ना एक्सेप्ट नहीं करता ना जो मुझे पसंद करते हैं उन्हें भी सब जानते हैं मोहब्बत का इजहार किसी ने किया

अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम क्या हाल चाल आपके ठीक है अंदर आ जाओ शुक्रिया जा बहुत तो। बहुत क्या हाल चाल आपके ठीक है जी मैं ठीक हूँ आप कैसे हैं ठीक है जी जी अल्लाह करम अल्लाह का शुक्र अच्छा तो हम अपने व्यूवर्स के बताना चाहते हैं कि परी पारो का असल नाम क्या है और ये नाम परी पारो किसने आपका डाला था जी बिल्कुल Uh, मेरा नाम जो है शुरू से ही पारो के, के लाइयों में और उसके बाद जो परी है वो इस फील्ड में आने से जो है ना मतलब मेरे जो गुरु हैं उन्होंने नाम रखा था लोग कहते हैं कि आप बड़े खूबसूरत ड्रेसिंग करती हैं तो ये जो ड्रेसिंग जो आप चूज़ करती है ये आपकी अपनी पसंद होता है या किस कोई आपने रखा हुआ फैशन डिजाइनर रखा हुआ है या मेकअप मेक जो आप करती है उसके हाल से भी बताएं कि मेकअप आर्टिस्ट रखा हुआ है या सारा कुछ आप खुद ही मैनेज करती हैं इसको जी बिल्कुल मैं ख़ुद ही मैनेज करती हूँ और मेकअप तो मैं ख़ुद ही करती हूँ शुरू से ही और जो ड्रेसिंग है वो मेरे मुख्तलिफ़ ब्रांड्स के भी हैं और डिज़ाइनर भी है तो उनसे मैं गहरी करती हूँ मैं ख़ुद चूज़ करती हूँ मैं खुद उससे बताती हूँ गाइड करती हूँ कि मुझे ऐसा ड्रेस चाहिए और ऐसा बनना चाहिए ठीक अच्छा तो हम ये भी जानना चाहते हैं कि जब आप कोई फंक्शन लेती हैं कोई इवेंट लेती हैं तो उसकी आपकी क्या शराय होती है किन शराइत की बना पर वो आप एग्रीमेंट करती हैं बिल्कुल शराइत के बिना तो फंक्शन होता ही नहीं है और जैसा कि आजकल का आपको पता दौर जा रहा है तो फंक्शन पे यही है कि एक तो पंडाल बिल्कुल खुला होना चाहिए और उसके बाद आगे पीछे के जो लोग हैं ना वो इक्वल तरीके से बैठे हैं क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो पीछे वाले लोग हैं वो खड़े रह जाते हैं और आगे वाले जो होते हैं बैठे होते हैं उसके बाद वो भी खड़े हो जाते हैं तो नज़र कुछ भी नहीं आता तो ज़्यादातर यही है कि फंक्शन तभी सक्सेसफुल जाते हैं जब सारे लोग आराम से बैठे हों तो हमल हम से ठीक है और तब परफॉर्मेंस देखें तो कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने ड्रिंक वगैरह की होती है तो वो बीच में आ जाते हैं लेकिन फिर भी हमें उन्हें मैनेज करना पड़ता है बिकॉज इसलिए कि अगर हम उनके साथ मतलब कोई ऐसा एटीट्यूड या कुछ भी ऐसा दिखाएं तो फिर मसला बन जाता है लड़ाई हो जाती है काफ़ी ऐसे मसले दरयाफ्त हो जाते हैं लेकिन इसलिए कि हम उन्हें खुद ही खुद ही हैंडल करते हैं तो अगर किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक्य हो जाता है बाजू का लड़ाई झगड़े के के इस इस तरह तरह हो जाते हैं तो उसके वाले से भी कभी इस तरह पे इस कभी पेश आया आज आज तक तक पहले नहीं आशक, ऐसा कुछ भी नहीं है बस यही होता है कि आजकल आपको पता जैसे कोरोना वायरस है तो उसकी वजह से जो है ना परमिशन का इशू आ रहा होता है ठीक है लेकिन आजकल तो फिर वो भी नाम से परमिशन हो रही है मतलब जैसे कि मैं किसी इवेंट पे जा रही हूँ तो उधर ये कि वहाँ पे परी पारो आ रही है तो उसकी परमिशन है तो वो फिर मेरे नाम से परमिशन हो क्या है आपका प्रोटोकॉल क्या होता है आप क्या प्रोटोकॉल में लेती है प्रोटोकॉल में ये कि गार्ड्स तो मेरे ऑलरेडी मेरे साथ होते और उसके बाद जो है ना फंक्शन पे यही है कि जो जिन्होंने फंक्शन करवाना होता है उनके उनका जो है ना पंडाल वगैरह अच्छा हो उसके बाद जो है ना मतलब बिल्कुल फुल सिक्योरिटी हो कोई प्रॉब्लम ना हो जैसे मतलब हम निकलते हैं गाड़ी से और गाड़ी तक फिर दोबारा वो वापस हमें ड्रॉप करते हैं ठीक हो गया इस तरीके से तो जो गाने वगैरह पीछे चल रहे होते हैं वो जी. आपकी अपना सिलेक्शन होती है या वो पंडाल वाले जो होते हैं जिन्होंने आपको बुलाया होता है उनकी पसंद होती है कोशिश तो यही करती हूं कि अपनी हो लेकिन यह कि जिन्होंने बुलाया होता है वो एक्चुअली गाने हमारे देखते हैं फिर उनकी डिमांड पे हम ज्यादा गाने करते हैं ठीक है अच्छा मैं जानना चाहता है कि परी पारो एक फंक्शन का कितना मुआवजा लेती है और सबसे ज्यादा आपने कितना मुआवजा लिया हुआ फंक्शन का ये तो मैं नहीं बता सकती क्योंकि ये मेरा बहुत ही पर्सनल है ठीक है लेकिन ये है कि मैं इतना कहना चाहती हूँ कि अलहमदिल्ला पाक का बहुत करम है बहुत रहम है उनका बस जो मैं कहती हूँ वो मेरी डिमांड पूरी हो जाती है तो बस अलहमदल लेकिन ये मेरा पर्सनल है तो मैं ये नहीं बता सकती आपको तो हम ये जानना चाहते हैं कि परी पारो बोल बोलती हुई बहुत अच्छा है लगता है कि काफी एजुकेटेड होगी पढ़ी लिखी होगी क्या एजुकेशन आपकी तालीम आर, क्या है जी मैंने एफ ए किया हुआ है की उसके बाद आप स्टडी को कंटिन्यू रख सकी थी हाँ नहीं मैं नहीं कर सकी क्योंकि उसके बाद मैंने ये फील्ड ज्वाइन कर ली शुरू से घर में जब मैं छोटी थी तो मेरी जो है बहन जो मेरी बड़ी है वो मुझे पारो के नाम से बुलाती थी तो वो कहती है कि हमारी पारो है ठीक है तो फिर उस टाइम से मेरा यही बचपन से मेरे घर से यही मेरा नाम था तो फिर उसके बाद जब मैं बड़ी हुई तो फिर इस फील्ड में मैं आ गई मेरे गुरु लोगों ने मुझे देखा उनको मैं अच्छी लगी तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी इस फील्ड में आ जाओ जो तुम्हारी अपनी फील्ड है तो मैं उसमें आ गई तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है अल्लाह पाक ने इज्जत दे दी आजकल आपको पता है कि सोशल मीडिया का दौर है तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बहुत इज्जत दे दी जबरदस्त हो गया अच्छा तो हम ये जानना चाहते हैं कि आम बंदा अगर आपको देखे वो कभी उसको उसको मिल जाएगा अगर आप ख्वाजा सरा क्योंकि आप माशाल्लाह काफी ब्यूटीफुल है बड़ी बड़ी आंखें हैं ऐसे ही लगता है कि आप एक लड़की है तो फर्स्ट टाइम आपको कैसे पता लगा था कि आप ख्वाजा सरा है और क्या रिएक्शन था का क्या रिएक्शन था फैमिली का क्या रिएक्शन था उस चीज़ को आपने कैसे देखा आ, बिल्कुल मुझे शुरू से ही जब मैं बचपन में थी तो मैं शुरू से ही मेरे अंदर ऐसी चीजें थी जो मतलब मुझे यही होता था कि मैं लड़की हूँ और मैंने कभी अपने आप को लड़का फील किया ही नहीं था मतलब शुरू से मैं ऐसे ही मुझे ये था कि मैं एक लड़की हूँ और उसी रूटीन में मैं चलती आई चलती आई और उसके बाद मुझे शौक था ड्रेसिंग का और अपने आप को हर टाइम मेंटेन रखना मैं कहती थी कि मैं अच्छी दिखूं और अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर सबको पता ही है कि मैं अच्छी लगती हूँ और रही बात लड़की लगने की तो वो वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मतलब मैं जिधर भी जाती हूँ कहीं भी गई हूँ तो मुझे लोग यही कहते हैं कि तुम बिल्कुल लड़की लगती हो और जितने भी हमारे ट्रांसजेंडर हैं उनमें से मतलब सब यही कहते हैं कि पारो थोड़ा सा जो है ना इन सब से थोड़ा हट के आए ड्रेसिंग वाइज भी स्टाइल से भी तो ये चीज़ें हैं तो ड्रेसिंग जो आप करती है ये कितना महीने का आपका ये सारा खर्चा वगैरह होता है मेकअप का पूरा पूरी ड्रेसिंग इस पर, इसको किस तरह मैनेज करती है कितना है आपके ड्रेस की कीमत क्या अनलिमिटेड अगर फॉर एक्जाम्पल यदि आपने बड़ा प्यारा पहना हुआ है तो इसकी क्या प्राइस होगी जो आपने पहना हुआ है <laughs> ये इस टाइम है तकरीबन तक थर्टी थर्टी अच्छा हम ये जानना चाहते हैं कि आपने भी बताया है कि लोग बहुत से लोग यही कहते हैं कि आप एक लड़की हैं ख्वाजा नहीं लगती हैं तो कितने साल की एज में ये फील हो गया था कि आप ख्वाजासरा एज अस्त आपकी क्या कि फैमिली का रिएक्शन क्या था क्योंकि आमतौर तो पर ख्वाजा को फैमिली की तरफ से कोई सिक्योरिटी नहीं मिलती जब उन्हें पता लगता था उनका क्या रिएक्शन था क्या फैमिलीज को मिलती वगैरह हैं बहन भाइयों से मिलती हैं पेरेंट्स वगैरह का कैसा रवैया आपके साथ हाँ जी बिल्कुल जब स्टार्ट में मतलब जारी बात है आपको फैमिलीज़ जो होती हैं वो मतलब यही कहती हैं कि नहीं मतलब यार हमारी इज्जत है तो ऐसे ख़राब होगी ठीक है क्योंकि आपको पता है माशरा हम लोगों को जो है ना एक्सेप्ट नहीं करता ना वो कहते हैं जी ख्वाजा हैं तो ये वो ठीक है बहुत सारी बातें करते हैं घर वाले तो जहरी बात है Uh, उन्होंने मुझे पैदा किया हुआ है तो उन्होंने तो मुझे एक्सेप्ट करना है हर हाल में करना है लेकिन ये कि रोक टोक तो शुरू में होती है लेकिन अल्लाह का शुक्र है जब से इस फील्ड में आई हूँ तो माशाल्लाह से अल्लाह ने इतना नाम दे दिया तो अब तो वैसे भी वो फ़ख्र ही करते हैं कि माशा से हमारे जो है मतलब परिपारों इसका इतना नाम है तो अब अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसी वैसी बात नहीं होती है मैं बहन भाई आपके आ मेरे चार भाई हैं और दो बहनें हैं। तो तुम अपने व्यूअर्स को बताना चाहते हैं आपके फादर क्या करते हैं आपको वाले साहब क्या क्या? मेरे फादर जो हैं वो घर में ही होते हैं बीमार हैं घर पे हैं और मैं उनका ख्याल रखती हूँ और मैं अपने घर वालों को बहुत ज्यादा ख्याल रखती हूँ अब आप अपनी फैमिली के साथ रहती हैं या आपकी जो कम्युनिटी है वो आपको तहफुज देते हैं या पेरेंट्स के साथ भी आप रह रही हैं नहीं ऐसा नहीं है कि मैं प्रॉपर फैमिली में ही रहती हूँ नहीं मैं जब मतलब मेरा दिल करे तो मैं किसी टाइम भी घर जा सकती हूँ वो कोई रोक टोक नहीं है लेकिन ज्यादातर मैं अपने कम्युनिटी के साथ रहती हूँ बड़े चाहने वाले भी आपको होंगे जिंदगी में कोई ऐसा वाक्य बताए कि किसी ने आपको लाइक किया हो कोई बड़ा सियासतदान हो किसी भी में ऐसा वाक्य के अंदर कोई फंक्शन आप कर रही हैं वहां पर कोई दिलचस्प वाक्य हो गया वो भी हमारे व्यूवर्स जानना चाहते हैं बस इस बारे में मैं यही कहूंगी कि मैं, मतलब मैं जहाँ भी जाती हूँ तो मुझे सब पसंद ही करते हैं और मतलब क्या कहते हैं अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मतलब जाहिर नहीं करते जो मुझे पसंद करते हैं बस वो ये है कि दिल में ही मुझे पसंद करते हैं वो मुझे कह नहीं पाते इजहार नहीं कर पाते लेकिन ये कि पसंद करते हैं मुझे माशाल्लाह से और मैं इधर इंटरव्यू में क्या बताऊँ <laughs> <laughs> बहुत सारे ऐसे हैं तो अच्छी बात नहीं है किसी का नाम मतलब शो करना ऐसे सारे हैं उन्हें भी सब जानते हैं जो मुझे पसंद करते हैं उन्हें भी सब जानते हैं लेकिन मैं नाम नहीं शो कर सकती मोहब्बत का इजहार किसी ने किया वैसे बहुत से बाकी मोहब्बत का इजहार कौन नहीं करता आपको पता है मोहब्बत चीज ही ऐसी है मोहब्बत लफ्स ही ऐसा है तो इसके बारे में तो मैं बात करने ही नहीं चाहती तो हम अपने है <laughs> <laughs> बिल्कुल क्यों नहीं अब मैं ये तो मतलब कोई कहेगा नहीं कि नहीं, नहीं नहीं तो ये तो झूठ होगा लेकिन प्यार तो होता है बिल्कुल और है भी कितनी दफा आपको होगा प्यार आ, मुझे तो एक दफा दो दफा तीन दफा अभी मुझे... भी आपका लव कंटिन्यू है है ब्रेकअप हो गया नहीं मेरा प्यार है और उसके बाद मेरा एक से ही है और उससे अच्छा तुम तो तो ये भी जानना चाहते हो किसी ने आपको शादी की ऑफर की है बिल्कुल हाँ जी शादी की ऑफर की है जो मोहब्बत करते हैं ना वो उनकी यही होती है उनकी मोहब्बत इतनी हो जाती है कि वो कहते हैं कि हमने शादी करनी है तो, तो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है लेकिन आप क्या ख्वाहिश रखती है कि शादी होनी चाहिए इंसान की लाइफ में एक वक्त आता है इंसान पे बढ़ापा भी आता है आपको पार्टनर चाहिए होता है तो उस वाले से इंसान की ख्वाहिश रखता है कि शादी होनी चाहिए क्या इरादा रखती है, फीलिंग्स हैं हैं फीलिंग्स आपकी शादी की आ, बिल्कुल क्यों नहीं फीलिंग्स हैं शादी की लेकिन यह है कि शादी हो नहीं सकती माशाल्लाह आपकी आमदनी भी ठीक ठाक होगी गाड़ी भी आपने रखी हुई है कोई गरीबों के लिए भी आप कुछ कोई इकदाम वगैरह करती हैं आप हमारे मुल्क की गरीब कम्युनिटी है जी बिल्कुल और करती रहूंगी कर रही हूँ और माशाल्लाह से जो है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत सुकून मिलता है और मैं कहती हूँ जब तक मेरी रोज़ी में जो मैं कमाती हूँ वो गरीबों को ना जाए तो मुझे वो सुकून नहीं आता मुझे आराम नहीं आता तो बिल्कुल मैं मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं ये चीज़ें जाहिर नहीं करती शो नहीं करती कि मतलब मैं किसी को क्या दे रही हूँ कितना दे रही हूँ ठीक है लेकिन अलहमदिल्ला ठीक है मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ अच्छा तो आप हमें यह बताएँ कि आपके जितने भी डांस होते हैं बड़े डिसेंट होते हैं अक्सर डांस बहुत ज़्यादा वाहियाती होती है जो करते हैं डीग खुआ दसरा तो उसके वाले से हमें बताएं कि एक आपके बारे में यह भी मशहूर है कि आपके गले से डबट्टा भी नहीं उठाता क्या ही, ऐसा ही है हाँ बिल्कुल ऐसा है और मुझे ये नहीं कि मतलब मैं कोई दिखावा करने के लिए सब कुछ करती हूँ मुझे नेचर वाइज मैं ऐसी ही हूँ और मैं लोगों को ये दिखाना चाह रही थी ये ट्रेंड देना चाह रही थी कि मतलब इस तरीके से आप लोग करो तो आप लोगों की ज़्यादा इज्जत हो लोग आपको ज़्यादा पसंद करें और इसकी बेसिक वजह यही है कि जो लोग मुझे फैमिलीज़ पसंद करती हैं घरों में, में मेरे गाने चलते हैं उसकी वजह यही है कि मैं गले में दुपट्टा नहीं उतारती और मेरे ड्रेसेस जो बिल्कुल कवर होते हैं उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं होती और मेरे ड्रेसेस ऐसे होते हैं कि लोग मतलब चाहते हैं कि हम ऐसे ड्रेस पहने लड़कियाँ कहती हैं कि यार ये बहुत ईजिली और बहुत अच्छे ड्रेस हैं ठीक है बिल्कुल साफ ड्रेस हैं तो ये हम घर में भी पहन करें अच्छा तो आप हमें ये भी बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा शोहरत कौन से फंक्शन पे मिली थी कौन से गाने पर आपको मिली थी कि आपको फील कि शोरत वनशी है असल शोरत तो मुझे यहाँ मिली है हाँ जी बिल्कुल एक्चुअली क्या है कि मतलब जो इंडियन गाने हैं पुराने उन्हें भी मैं बीच में लेके आई हूँ और पाकिस्तानी पुराने और नए गाने उन्हें भी मैं बीच में लेके आई हूँ और मतलब इस तरह के गाने ये जो सरायकी गाने हैं इनसे मैंने मतलब थोड़ा सा हट के जो है ना ये वाला ट्रेंड निकाला है इंडियन गाने और पाकिस्तानी गाने इनको बीच में लेके आई हूँ तो लोगों ने बहुत ज्यादा मुझे जो है ना अप्रिशिएट किया आपने कहाँ कहाँ ट्रैवल कर लिया होगा जी माशाला से मैंने तो पूरा पाकिस्तान घूम लिया है पूरा पाकिस्तान में फंक्शन कर चुकी हूँ और इनशाला जो है ना मतलब बाहर से भी डिमांड आती हैं तो इनशाला फिर अब प्लान है कि मैं बाहर भी जाऊँ जो आपको आमदनी मिलती है वो डिवाइड होती है या आपके खेले के पास ही आती है नहीं बिल्कुल ज़ाहिर बात है मतलब मैं अपनी कम्युनिटी के साथ रहती हूँ तो जहरी बात इनका भी हक बनता है जिनकी वजह से मतलब हम ऊपर गए हैं इनकी दुआएं हैं मेरे गुरुओं की दुआएं हैं जिनकी मैं शागिदूँ तो बिल्कुल उनका भी राइट बनता है तो मैं सबके साथ अच्छा बिहेव करती हूँ तो सारी तकसीम होती है कुल तकसीम होती है हाँ जी बिल्कुल हाँ जी अच्छा तो ऊपर ही पा आप हमें यह बताएं कि फंक्शन में भी आप बहुत मशहूर हैं लाखों करोड़ों आपके फैंस हैं टिकटॉक पर भी आप बहुत ज़्यादा मशहूर हो रही है इसका क्या राज है हाँ बिल्कुल मुझे टिकटॉक ख़ुद बहुत पसंद है जबकि टिकटॉक बंद हुआ था तो आप यकीन नहीं जाने के मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ था लेकिन शुक्र है कि टिकटॉक वापस आ गया है और टिकटॉक से यह है कि मतलब जब आप कभी फ्री होते हो तो आप वीडियोस बना लेते हो और उसके बाद जो है ना एक टिकटॉक एक आर्ट है एक्टिंग कर जिन्हें एक्टिंग करनी आती है वो एक्टिंग भी दिखाते हैं कि हम एक्टिंग कर सकते हैं ठीक है और जो लोग मतलब पीछे थे वो टिकटॉक की वजह से आगे आके अच्छा तो बोलते भी आप है बहुत खूबसूरत है टिकटॉक पर वीडियो भी अब एक्टिंग बड़ी अच्छी कर लेती है कोई मुस्कबिल का प्लान तो नहीं है कोई मूवी ड्रामो में आने का हाँ बिल्कुल क्यों ऑफर तो वगैरह आई है आपको आ, बिल्कुल मुझे ऑफर्स वग़ैरह आ रही हैं और लेकिन इन जो है ना ये सारे सारी चीज़ें होती हैं टाइम के साथ ठीक है तो इन ज़रूर मैं ज़रूर करूँगी बॉलीवुड अगर आपको बुलाए ऑफ़र दे तो आप बॉलीवुड में काम करने जी, के लिए लिए। जाऊंगी ठीक है क्यों नहीं हर काम करना चाहिए तो, तो हाँ इन सरप्राइज है बता नहीं सकती <laughs> <laughs> अच्छा लोग आपकी आंखों को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं कहते हैं कि आपकी आंखें चमक रही हैं आंखों का कलर जो भी ग्रीन है इसका क्या खूबसूरत आंखों क्या आ, बिल्कुल कोई राज नहीं है एक्चुअली हाँ... आपकी बहुत ज़्यादा पसंद की था है ना, बिल्कुल हाँ जी जो सारी चीज़ें हैं ठीक है एट्रैक्शन की वो सारी जो है ना आंखों से स्टार्ट होती है और आंखों से ही हर चीज़ जो है ना मतलब आगे जाती है देखने वाला जो है ना वो आंखों से देखना होता है तो वो सबसे पहले आंखों को ही देखता है तो इसलिए मतलब मेरी आंखें अब हैं ही ऐसी मैं क्या करूँ अब पाकिस्तान की नंबर वन डांसिंग की हर किसी को अपने पीछे छोड़ दिया है क्या फील होता है नंबर वन होने पर हाँ बिल्कुल बहुत अच्छा फील होता है और बल्कि मैं यही मैं ये नहीं कहती कि मैं ही वन नंबर रहूँ मैं बल्कि कहती हूँ कि जैसे हम लोग आगे गए हैं या मैं आगे गई हूँ तो इस तरह मतलब जो है ना हमारी जो जितनी भी कम्युनिटी है उसमें मतलब आने वाले लोगों के लिए ये चीज़ है कि वो भी मेहनत करें और इसी तरह वो भी आगे आएँ